एक दोस्त ही दोस्त के जान के दुश्मन बन बैठे और शराब पार्टी के दौरान अपने ही खास दोस्त को चाकू से तब तक वार करता रहा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। ऐसा ही सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र से आया है। गौरतलब हो कि पांच दोस्त आदमपुर थाना क्षेत्र कोयला घाट के रहने वाले थे और पांचों ततारपुर थाना क्षेत्र स्थित गोला घाट शादी समारोह में भोज खाने के लिए गए थे। वहीं लौटते समय पांचों के बीच शराब पार्टी चल रही थी। सभी दोस्त नशे में थे। दो दोस्त में तूतू मैमे हुई और बात यहां तक पहुंच गई कि एक दोस्त ने अपने खास दूसरे दोस्त को चाकू से घायल कर दिया और तब तक चाकू से अपने दोस्त पर वार करता रहा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। यह सारी घटना का प्रत्यक्षदर्शी तीन दोस्त देख रहा था। उसके बाद आनन फानन में तीनों दोस्त ने घायल को मायागंज अस्पताल लाया जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बलवाचक के रहने वाला पेंटर बिट्टू मंडल उर्फ छोटू का 17 वर्षीय पुत्र आशीष के रूप में हुई है। वह अपने नाना नानी के घर रहकर 9वीं कक्षा में जिला स्कूल में पढ़ाई करता था। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। वहीं मृतक आशीष की फुआ सीमा देवी ने बताया कि आशीष भोज खाने जा ही नहीं रहा था। जबरन उसके दोस्त ने उसे घर से बुलाकर भोज खाने के लिए ले गया और चाकू से गोद कर बुरी तरह मार डाला। वहीं मृतक आशीष की नानी रवीना देवी ने बताया कि मेरा नाती पढ़ने लिखने वाला था, उसे उसके दोस्तों ने जबरदस्ती भोज खाने ले गया, लेकिन आशीष के दोस्त ही आशीष को चाकू मार कर अधमरा कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे धोखेबाज दोस्त को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। वहीं पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है और हत्यारे दोस्त को ढूंढ रही है। बताइए तो भोज खाने के लिए गया। हाँ। बोला कि चलो भोज खाएंगे। वहाँ से गया, खाते समय लौटा तो एक तीन गो लड़का था, एक मारने लगा तो तीनों खड़ा कर देखा। ये बोला डर से ये लोग यहाँ नहीं बताया कि हम नहीं देखे हैं, हम देखे हैं। तब फिर बोला कि पुलिस धमकी दिया कि मार लगेगा ऐसे उसे, तब बताया कि हम देखे हैं। कैसे क्या चील बताओ तो सबको दोस्त सब गेले ले भोज खाए ला दीपनवा बहुए ओकरा मार के फेंक देलके दूसरा को उठा के लेलके हॉस्पिटल। राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। यहाँ सभी प्रकार के सिविल वाद और ऐसे अपराधों को छोड़कर जिसमें समझौता वर्जित है वैसे केस को निशुल्क निपटाए जा सकते हैं। साथ ही लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर भागलपुर में आयोजित होगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के सचिव ज्योति कुमारी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक। उन्होंने कहा कि राष्ट्र लोक अदालत में अनुमंडल राजस्व, सिविल, पारिवारिक विभाग, भरण पोषण, विद्युत पानी, एक्सीडेंटल क्लेम, श्रम संबंधी, बैंक, ट्रैफिक के चालान के मामले की सुनवाई होती है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुल 26 बेंच में 18 बेंच भागलपुर में, 6 नगौछिया में और 2 कहलगांव में बेंच बनाए जा रहे हैं जिससे केस के निष्पादन में आसानी हो सके। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि पिछले बार से ज्यादा केस इस बार निष्पादित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार भागलपुर, नगवच्छिया और कहलगांव में एक एक गांव में जागरूकता रथ निकाली गई है जो भ्रमण कर रहा है और लोगों को इस राष्ट्र लोक अदालत के केस निष्पादन के लिए जागृत भी कर रहा है। इस बार कुल 28,000 नोटिस किया गया है। उम्मीद है हर वर्ष से ज्यादा इस वर्ष केस का निष्पादन होगा। इसमें हम लोगों ने 26 बेंच बनाया है। इसमें भागलपुर में 18, नौगछिया में 6 और कहलगांव में 2 बेंच। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 28,000 नोटिस किया है। उम्मीद है कि पिछले वर्ष से ज़्यादा इस बार डिस्पोजल होगा। पिछले वर्ष 2716 था, उम्मीद है कि इस बार 2800 के लगभग हो डिस्पोजल। और इसके अलावा हम लोगों ने प्रचार के लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया है जो हर नौगछिया, भागलपुर और कहलगांव में जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके और लोक अदालत के यहाँ आए और अपने बातों का निपटारा करा सके। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अजमेरीपुर बैरिया में भीषण आग लगी थी। कई घर आग की जद में आ गए। आग जब शांत हुई तो मालूम पड़ा 200 घरों को आग ने अपने चपेट में ले लिया है। कल तक जो घर में रहते थे वो अब सड़क पर आ गए हैं। जहां तहां खेतों में या फिर पन्नी के तिरपाल के सहारे रहने के विवश हैं। राजीव की 2 बहनें पूनम और चांदनी की शादी होने वाली थी। कल शगुन था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आग ने ऐसा कहर बरपाया कि बदन पर पहने कपड़े के अलावे और कुछ नहीं बचा। परिवार के लोगों का रो रो का बुरा हाल है। वहीं आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों का हाल जाना।
साथ ही सामुदायिक किचन में व्यवस्थाओं को देखा। वहीं एसडीओ ने अधिकारियों और गांव के लोगों के साथ जमीन पर बैठकर ही सामुदायिक किचन का खाना खाया। एसडीओ ने कहा कि क्षतिपूर्ति का आकलन किया जा रहा है, जल्द ही मुआवजा राशि दी जाएगी। पीड़ित परिवारों को अब सरकार से मदद की आस है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन पर अपनी नजरें इनायत करेंगे और फिर इनके दिन बहुरेंगे। जो भी विभाग के जो नियम हैं उसके मुताबिक सामुदायिक किचन हम लोगों ने कल रात्रि से ही शुरू करवा दिया है। कल भी मेडिकल कैंप लगी थी, आज भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे है और जो पशु चिकित्सक हैं वो उन्होंने भी सब जगह विजिट किया है। उन्होंने कल भी विजिट किया था और आज भी विजिट किया है। और साथ ही साथ जो जीआर की राशि दी जानी है उसके लिए हम लोग आकलन करवा रहे हैं। लगभग आकलन कम्प्लीट है और लगभग 100 से 125 घर हैं जो चिन्हित हुए हैं। अभी स्पष्ट फिगर आ जाएगा जब आकलन कम्प्लीट हो जाता है तो उनको जीआर की राशि हम लोग आज ही दे देंगे और जो भी बाकी जो मकान या फिर जो खटाल जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका अभिलेख बन के जो भी उनका क्षतिपूर्ति बनेगा उनको दे दिया जाएगा। पटल बाबू रोड स्थित खरमनचक मोहल्ले में मजार के पीछे रूम बनाकर रह रहे मुजाहिद मोहम्मद सरवर के बने दो रूम को जिला प्रशासन के आदेश पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के सामने नगर निगम और मजिस्ट्रेट की देखरेख में मजार के पीछे बने मकान को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसको लेकर वहां रह रहे मोहम्मद सरवर और उनके परिवारों ने जमकर घंटों बवाल काटा। वहीं यहां रह रहे उनके परिवार का कहना है कि वह लोग यहां पिछले कई सालों से रह रहे थे लेकिन आसपास के भूमाफियाओं के द्वारा प्रशासन पर दबाव देकर यह कार्रवाई कराई गई है, जबकि यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। वहीं नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी का कहना है कि अंचल के द्वारा मिले आदेश के बाद जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उसका मैंने देहांत हो गया, उसके बाद फिर हम करने लगे। हम करते करते समझिए आज तक यहाँ तक पहुँचे। तो वही जो है जो मेरा मैंने कि जो घर था वो दीवार गिर जाने से टूट गया तो फिर उसको जो है हम सही से तोड़ करके फिर उसको ढंग से बनाए तो यही जो है इन लोगों को पूरा चुभने लगा, जबकि इन लोगों को हम हाँ ये सब ना पहले का बात है, विवाद नहीं हुआ है। वो लोग पार्किंग के लिए नीचे में टाइल्स लगाएगा तो हम लोग का कहना था नीचे में टाइल्स लगाने से ज्यादा अच्छा है। नहीं, नहीं। आप अंदर में कुछ कर दिया, टाइल्स लगा के वो पार्किंग करने खोज रहा था तो हम लोग बोले पार्किंग चाट वाला दुकान कल लगाता तो छोटा मोटा झगड़ा हमसे। एसडीओ साहब का आदेश था, ये मजार का जमीन था जिसको अतिक्रमित किया गया था उसको खाली कराने का आदेश है, उसी के आदेश का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। एसडीओ साहब ने आदेश ये दिया था मजिस्ट्रेट अधिकृत करके कि इसको खाली करवा देना। आज 5 दिनों से एक माँ का बेटा लापता है। पुलिस की मदद नहीं मिलने पर सड़कों पर बेटे की फोटो लेकर भटकती नजर आ रही है एक माँ। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक महिला को हबीबपुर थाना के ठीक सामने मोबाइल में अपने बेटे की तस्वीर लेकर लोगों से ये पूछती नजर आई कि मेरे बेटे को कोई देखा है क्या। दरअसल महिला का बेटा पास के ही एक पेट्रोल पंप से लापता हो गया। उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर एवं बोलने में असमर्थ है। महिला ने बताया कि उसका बेटा पास के पेट्रोल पंप के पास घूमता रहता था और वहीं से 5 दिन पहले लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद उसका बेटा रोशन का पता नहीं चल पाया। तब महिला ने हबीबपुर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया पर थाना के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर महिला थाना के सामने ही खुद अपने बेटे की तस्वीर लेकर लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही विनती करती नजर आ रही है कि अगर उसका बेटा कहीं दिखे तो तुरंत सूचना दे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस कब ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए उसके बेटे को ढूंढने का प्रयास करती है। रोड पास से मेरा बेटा खो गया है, मेरा बेटा मुँह में बोली नहीं है, 2-3 बार गया है थाना, उसमें मेरा बेटा को कोई परवाह नहीं कर रहा है। दिमाग कैसा है? दिमाग ठीक है, तो बेटा ठीक है, सब बात समझता है, सब बात सुनता है, मेरा बात सब बिल्कुल समझता है।